वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कैसे आप सब, दीपक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन हब के बारे में। क्वेश्चन हब क्या है, कैसे काम करता है? दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन हब गूगल ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है। इसकी मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं जिनका गूगल पर अभी तक आंसर नहीं किया गया है, और ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटली पूछते रहते हैं वे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन हब में मिल जाएंगे। किस तरह से आपको क्वेश्चन हब से क्वेश्चंस को निकालना है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह जैसे ही मैंने ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन किया तो मुझे ओवरव्यू में सबसे पहले ऊपर एक क्वेश्चन हब लिखा, लर्न मोर और साइन अप। अभी मैंने वहाँ साइन अप किया, उसके बारे में लर्न मोर पर क्लिक करके रीड किया कि यह क्या चीज़ है। तब वहाँ से मुझे ब्लॉगर ने बताया कि क्वेश्चन हब एक ऐसी वेबसाइट है जो क्रिएटर्स को मदद करता है, जो ऐसे अपनी रीच को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर मदद करता है और ऐसे क्वेश्चन उसे देता है जिसका आंसर गूगल पर नहीं दिया गया है। दोस्तों हम पहले कीवर्ड निकालने के लिए क्या करते थे कि कीवर्ड प्लान का यूज़ करते थे, और ऐसे जैसे कि सेमरस वगैरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स का हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का हम इस्तेमाल करते थे। हालांकि कीवर्ड प्लानर तो गूगल का खुद का है, लेकिन कीवर्ड प्लानर भी बिल्कुल एग्जैक्ट वो आंसर नहीं दे पाता था जो कि हमें चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन है वह वो रियली हमें वही क्वेश्चन देगा जो कि लोग गूगल से पूछ रहे हैं, ताकि गूगल भी चाहता है कि उनके जो लोग गूगल पर सर्च करें उन्हें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, इसलिए गूगल ने ये टूल प्रोवाइड किया हमें। तो बता देते हैं इसमें आपको किस तरह से साइन इन करना है। आपको इधर साइट में एक स्क्रीन दिख जाएगी, इसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से क्वेश्चन हब से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जब आपको ब्लॉगर अगर आप यूज़ करते हैं तो ब्लॉगर में साइनअप का आपको बटन मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन हब में साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इसके बारे में नहीं जाना है तो आप questionhub.google.com पर जा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। यहाँ से आप साइन इन कर लीजिए, अपनी वेबसाइट आपको इंटर करनी होगी, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप साइन इन कर सकते हैं। इसके अंदर आप जिस भी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट है उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है, और उस कैटेगरी में जो रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे क्वेश्चन आएंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि उसके ऊपर अगर आपको आर्टिकल लिखना है, अगर आपने उन क्वेश्चंस के ऊपर पहले से आर्टिकल लिख रखा है तो सामने आपको आंसर की बटन मिल जाएगी। आंसर पर क्लिक कीजिए और अपनी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। वहाँ से क्या होगा, गूगल को पता चलेगा कि आपने ये वाला आर्टिकल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा है, कि आप गूगल को पता चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन बंदा पूछ रहा है तो इसका आंसर आपकी वेबसाइट में है। वहाँ से गूगल अभी थोड़ी दिनों बाद में क्या करने वाला है कि जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है उनको ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक दे देगा। अगर गूगल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही लिंक सबमिट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन हब में उसी सेम क्वेश्चन का आंसर को सबमिट करेंगे, लेकिन उनमें से गूगल को जो सबसे अच्छा लगेगा उसमें गूगल लिस्टिंग रहेगा। ये लिस्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि सर्च रिजल्ट होता है, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट होता है, जैसे हम पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर वेबसाइट आती है, बिल्कुल उसी तरह से आती है। तो चलिए दोस्तों आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके रिगार्डिंग आगे मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन हब की मदद से आप अपने ब्लॉग को किस तरह से रैंक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।